बहुत खुश हूँ अजलान इस बात पे कि तुमने कराची में घर ले लिया, तुम सेटल हो गए हो। बस आनी, आप भी तैयारी कर लें, आपने फटाफट मेरे पास कराची आना है। जरूर, मैं तो कराची भी आऊंगी और तुम्हारी पसंद से भी मिलूंगी। आई एम श्योर वो बहुत प्यारी है। हाँ, प्यारी तो बहुत है, लेकिन मुझे ये बताएं कि हनी का क्या करना है। हनी के बारे में सोचना छोड़ दो, मुझे तो उस इंसान का ख्याल आता है जिससे हनी का रिश्ता होगा, उसका क्या बनेगा। भाभी ने अपने लाड़ प्यार में ना हनी को बिल्कुल अजीब सी शेप बना दी है, पता नहीं क्या होगा बेचारे का, किसके साथ गुजारा करेगी। अच्छा हनी, एक बात तो बताएं, फर्ज करें कि लड़की के अब्बा ने किसी लड़के को पसंद कर लिया है, तो इस रिश्ते को कैसे खत्म किया जा सकता है। क्या मतलब? अरे यानी क्या बताऊं, मेरे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है। अब लड़की के वालिद साहब ने ना किसी लड़के को पसंद कर लिया, हाय, और सुना है कि वो अपने फैसलों में काफी अटल है। हाय अल्लाह, फिर एक और नाकाम मोहब्बत। देखो अजलान, कुछ भी करो लेकिन ये रिश्ता ना तुम वापस मोड़ दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है पूरी जिंदगी का दुख कितनी बड़ी असियत होती है। कुछ भी करना पड़े ना, चाहे उस लड़के के पैर पड़ के मिन्नत समाजत ही क्यों ना करनी पड़े, कर लो। बल्कि मैं कहती हूँ कि तुम पहले वालिद साहब के पैर ही पड़ जाओ। आनी, आजकल के जमाने में कोई पैर नहीं पकड़ता, हमें ना कुछ और सोचना पड़ेगा। आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ। ओके बाय। क्या बनेगा मेरे अजलान का? अरे अभी तो ये भी नहीं पता कि लड़की मानेगी कि नहीं। जिंदगी में कोई एक मुसीबत है? पूरी दुनिया छोड़ के अजलान साहब तुम्हें यही लड़की मिली थी क्या? अब भुगतो, भुगतो। ताबी, कुछ खाने चले, मेरा बहुत मूड हो रहा है बाहर जाके कुछ खाने का। अमल, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है? ताबी यार, पापा ने बोला है कि वो उस लड़के की फुल इंक्वायरी कराएंगे, अभी उसकी फैमिली की भी, तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा। और वैसे भी मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि अजान मुझसे मोहब्बत करता भी है, सिर्फ खेल खेल रहा है मेरे साथ। लो जी, ये कटा भी खुल गया, कैसे पता चलेगा? सोचना पड़ेगा, उसके लिए खाना पड़ेगा और फिर बाहर जाना पड़ेगा। ओहो, पता है मूवीज में ना लड़का लड़की को गुंडों से बचाता है अपनी जान की परवाह किए बगैर, इससे फिर लड़की को अंदाजा हो जाता है कि इसकी मोहब्बत कितनी गहरी है। हाँ हाँ, तभी 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 तुम्हारी मासूमियत में मुझे इतना धांसू आइडिया आया, तुम्हारी सोच है। ताबी, तुम बस मेरे लिए एक काम कर दो, अजलान के फोन से मुझे जामी का नंबर ले दोगे? अब ये जामी कौन है? कौन है ये भी बता दूंगी, उससे काम क्या है ये भी बता दूंगी, लेकिन प्लीज देखो मैं तुम्हारे कितने काम करती हूँ। प्लीज 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 तुम्हारे सारे काम करती हूँ, जामी का नंबर। ओके 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 आप ही कहती हैं तुम अमल में इंटरेस्टेड हो? सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं हूं चाचू, मोहब्बत करता हूं उससे, और अगर ना मिली ना मुझे तो आपकी तरह जोक ले लूंगा मैं। अबे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और मैं कैसे बताता आपको, मैं तो चिल में था यार, वो बीच में हैंडसम आ गया। वो ऊंट पता नहीं भाजन को क्यों पसंद आ गया, बहुत इंप्रेसिव से भाई, कुछ भी करके उसको कटा दे, मेरे बाप कटा दे उसको, कटा दे। तो कोशिश कर तो रहा हूँ, कितनी दफा उनको बताया है कि शानदार सा नया बंगला लिया है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो है कि समझते नहीं। मुझे लगता है वो ना पुराने बापू की तरह है, एक दफा बेटी के बारे में किसी को चुन लिया सो चुन लिया, दूसरे लड़के के बारे में सोचता भी हराम है उनके लिए। अबे कुछ करो भाई, कुछ करो, कुछ करो, मामला सीरियस होता जा रहा है। अरे तो क्या करूं मैं चाचू, रात को सोने से पहले टांगी दबाऊं जाके उनकी? नहीं, काश कि कोई मिरेकल हो जाए, क्योंकि फिल्मी सीन हो जाए यार, वो होता है ना फिल्मों में, डाकू आता है, हीरो सबको बचा लेता है, फिर हीरोइन के बाप के दिल में जगह बना लेता है, लेकिन वो सब तो फिल्मों में होता है, क्या होगा, दुआ कर, दुआ कर। नहीं 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 मेरे बाप, नहीं डाकू, नहीं 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 आ भी सकता है? नहीं
नहीं, हमारा इतना बड़ा घर है, उसमें सिर्फ दो लोग हैं, एक मेड है, एक चौकीदार है, वो चौकीदार की गन नहीं चलती, उसमें जंग लगा हुआ है। नहीं 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 मैं तो ऐसी फ्लो में आइडिया दे गया। चाचू यू आर जीनियस। अरे ये तो बोल रहा है, मजाक कर रहा है ना, मजाक कर, ये मजाक है। मैं, अरे यार अमल कितनी देर है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। पता नहीं, वादा तो किया था कि आएंगे, इतनी देर हो गई है, मैं खुद कॉफी के दो कप पी चुकी हूँ और नहीं पी सकती बस। तो काम करते हैं ना, हम ये डंपलिंग्स और फ्राइड राइस मंगवा लेते हैं तब तक। ताबी, जितनी टेंस सिचुएशन में मैं हूं ना इस वक्त, मेरे हलक से भारी चीजें नहीं गुजरेंगी। तो नो प्रॉब्लम, तुम्हें तो पता है कि मैं सब खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे टेंशन में भूख ज्यादा लगती है। आगे बोलो, आगे ताबी, आगे। हेलो 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 हेलो। अबे ये डाकू बनेंगे? हाँ, ये तो एंटरटेनर्स हैं। नहीं नहीं, इन लोगों को इस काम की प्रैक्टिस है, ट्रस्ट मी। बैठे ना, बैठे। हाय, कैसे हैं आप लोग? हमें किस लिए याद किया आप लोगों ने? हम बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी काम है। हम लोग समझ गए समझ गए। इतना नन्हे नहीं है ना, यकीनन शादी का फंक्शन होगा। नहीं नहीं फाइला, नहीं वली में का नहीं। मुझे आप लोगों से एक और बहुत जरूरी काम है। आपके वो दिखाई नहीं दे रहे? देखे डरे नहीं, और वो मेरे यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरे वो शो नहीं है। अल्लाह इस बड़ी जवानी में इतना बड़ा सदमा ना दे। खैर आप फिक्र ना करें, हमारे पास सैड सॉन्ग भी बहुत सारे हैं। अगर कोई रोना नहीं होगा ना, फूट फूट के रोएगा। देखे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों की बकवास सुनूं। मैं अपनी बात करने आई हूँ, इसलिए आप लोग अपनी बकवास बंद रखें। हम अपनी बकवास बंद कर लेते, आप शुरू करें। मतलब आप बोले टू टाइम वो आपकी बात तो सुन लेंगे, लेकिन दो महीने से हम लोगों ने कुछ अच्छा खाया नहीं है, सिर्फ चाय पराठे पे गुजारा किया है। इतना अच्छा रेस्टोरेंट में बुलाया, कुछ मंगवा ले। कुछ मंगवा ले तो उसके बाद करेंगे ना। जी तो अभी नदीदे ये ले आप। नहीं, मैं साफ नहीं खाता। ये क्या है? डायनामाइट है, बम खिलाते हैं क्या? अबे नहीं छोड़ो, ये क्या है? निपोलियन डिप्रेस चाय। नहीं पता नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ने को छोड़ो, तस्वीरों से मंगा लेते हैं। ये बर्फी मंगवा लेते हैं, बर्फी से ये चावल, और ये क्या बोलते बोटी, और ना कुरमा, और ये भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त हाँ, ये मंगा ले। नहीं नहीं देखे, ये मेन्यू आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ और मैं अपनी मर्जी से मंगा लेती हूँ, ठीक है? और अच्छा मंगाऊंगी सब। अच्छा अच्छा मैं इनके सामने तो मैं काफी जीनियस और इंटेलिजेंट नहीं लग रहा, डिसेंट नहीं लग रहा? हाँ बहुत डिसेंट लग रहे हो तापी। अब वेटर, एक्सक्यूज मी, वेटर वेटर एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं, एक्सक्यूज मी। हाँ निकलवा देंगे हमें वेटर।